जय हिंद दोस्तों, ज्ञानोदय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, पूरे 2019 मार्च से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी शुभ घड़ी आ गई है। और एमपीपीएससी 2019 की वैकेंसी आउट हो गई है। एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। दोस्तों, एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन, बिग ब्रेकिंग न्यूज है सर, एमपीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ये देखिए, दिनांक 14/11/2019 को नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आवेदन तिथि, आवेदन करने की तिथि 9/12/2019, 9/12 अंतिम तिथि है 9/12/2019 की, जिसका प्रथम पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन बारह जनवरी 2020 को प्रीलिम्स होगा इसका। बहुत कम समय है, लेकिन प्री के लिए लगभग दो माह का समय मिल रहा है। दो माह के समय में हमने तैयारी करना है, बहुत कम समय दिया है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए दो माह पर्याप्त समय है। ये 12 जनवरी 2020 को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगा। और इसका द्वितीय प्रश्न पत्र 2/15 से 4/15 तक होगा। ये पूरा नोटिफिकेशन निकाल दिया है, 32 पेज का नोटिफिकेशन है मित्रों। ये सारे पद दे दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसकी परीक्षा तिथि 52 शहरों में दी गई है, जिनके कोड दिए हुए हैं, तो आप अपने परीक्षा स्थल के कोड के हिसाब से उसको सही से देख के भरें। 52 शहरों में परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 52 शहरों में आयोजित की जाएगी। जो आपको परीक्षा स्थल दिया जाएगा, वो इस हिसाब से दिया जाएगा कि वर्तमान पता जो प्रथम देखा जाएगा, वो वर्तमान पता आपका कहाँ का है उस हिसाब से दिया जाएगा। इसके बाद वर्तमान पते का संभाग का जो मुख्यालय है उस हिसाब से दिया जाएगा। द्वितीय आवंटन आपको स्थायी पते का जिला जो है उस हिसाब से दिया है। और चतुर्थ आवंटन स्थायी पते का संभाग मुख्यालय जो होगा वहाँ उस हिसाब से दिया जाएगा। वो संख्या पर आधारित होगा कि किस प्रकार से कितने परीक्षा स्थल MPPSC ने सेलेक्ट किए हैं, उस हिसाब से आपको जो है परीक्षा स्थल दे दिया जाएगा। और जो प्रदेश से, मध्य प्रदेश से बाहर के अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, उनको जो है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से ही कोई एक परीक्षा केंद्र जो मिलेगा, उनमें से ही किसी, उनमें से दो परीक्षा स्थलों को उनको चुनना पड़ेगा, परीक्षा सेंटर उनमें से किसी में एक मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिकता ग्रेजुएशन कंप्लीट, आपका स्नातक होना चाहिए। और स्नातक में फाइनल ईयर के भी परीक्षार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन जब मुख्य परीक्षा के समय तक उनका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तकनीकी में ग्रेजुएशन जो छात्र हैं वो भी एप्लीकेबल हैं, व्यावसायिक या तकनीकी जो बीटेक वगैरह होते हैं वो भी इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। आयु एज 21 से 40 ईयर्स तक एज होनी चाहिए, 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और आयु की गणना 1/1/2020, 1 जनवरी 2020 से आयु की गणना करी जाएगी।
और जो पद वर्दी जो यूनिफॉर्म वाले पद होते हैं पीपीएससी के थ्रू, उनमें शारीरिक मापदंड रखे गए हैं जो उनको पूरा करना आवश्यक होगा, तभी वो जो है उनको वो वर्दी वाले पद दिए जाएंगे। जैसे पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और महिला की 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और इसी प्रकार से चेस्ट 84 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए पुरुष का। परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क जो है केवल राज्य सेवा हेतु, राज्य सेवा के लिए 750 मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए और मध्य प्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए 1500 रुपये शुल्क रहेगा, और केवल वन सेवा के लिए 750 और अदर स्टेट के लिए 1500 रुपये। जो दोनों राज्य सेवा और वन सेवा दोनों में अप्लाई करना चाहेंगे उन्हें मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए 1000 रुपये और जो मध्य प्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए 2000 रुपये का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। परीक्षा दिनांक जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है, परीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2020 है। परीक्षा के केंद्र में से 3 चरण होंगे, जो मुख्य परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ ओएमआर शीट पर आधारित होगी, और इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी वो लिखित वर्णनात्मक होगी, और तीसरा चरण साक्षात्कार होगा। और जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, जिसका समय 2 घंटे होगा और इसके 200 अंक होंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है सामान्य अभिरुचि परीक्षण 2 घंटे का होगा, इसके भी 200 अंक होंगे, जो 1 जनवरी 2020 को होना है। दोनों प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसके दो अंकों का प्रश्न होगा, दो सौ अंकों के टोटल प्रश्न होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये 32 पेज का नोटिफिकेशन MPPSC ने जारी कर दिया है, तो फॉर्म भर दीजिए आप जल्दी से, क्योंकि काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो ज्ञानोदय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, MPPSC की तैयारी मिलकर करेंगे। गुड नाइट दोस्तों।